CBI, meanwhile, is conducting a search in Sandesh Gali, No. 24 Parganas. The Central Forensic Science Laboratory team has also reached the residence of Sheikh Sharjah in Sandesh Gali as we speak. So more crackdown, of course, underway in West Bengal. Clearly, of course, Renik Dutta joins us with the very latest on this story. Renik, what's the action at Sharjah Sheikh's residence? देखिए, शेख शाहजहां के घर में सीबीआई का जो छापामारी चल रहा है उसमें सीबीआई की तरफ से शाहजहां शेख के जो घर, उसका घर का ताला तोड़ के अंदर घुसा गया है। और सीबीआई की तरफ से ये भी कहा जा रहा है कि शेख शाहजहां के जो तीन घर है, वो तीन घर से बहुत सारे डॉक्यूमेंट मिल सकता है, ऐसा संभावना है। और सीबीआई के ये भी कहना है कि बहुत सारे इंफॉर्मेशन सीबीआई के पास आया है शाहजहां को इंट्रोगेशन में। जैसा कि शेख शाहजहां को इंट्रोगेट जब सीबीआई की तरफ से किया जा रहा था, उसी टाइम में शेख शाहजहां के जो मोबाइल फोन, वो दो मोबाइल फोन का इस्तेमाल किस तरीके से शेख शाहजहां किया था उसी घटना के टाइम में, उसका इंफॉर्मेशन सीबीआई ढूंढने का कोशिश कर रहा था। क्योंकि सीबीआई का जो सूत्र मार्फत खबर है, सीबीआई के पास शेख शाहजहां का उस घटना के दिन यानी 5 जनवरी जब एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के ऊपर हमला हो रहा था, उसी टाइम में वो 2 घंटे के बीच में शेख शाहजहां के मोबाइल में वो मोबाइल से टोटल 21 फोन कॉल किया गया था, ऐसा सीबीआई के सूत्रों पर खबर है। मगर ये जो दोनों फोन इस्तेमाल किया गया था, उसमें एक फोन में 3 फोन कॉल और दूसरा मोबाइल फोन से 18 फोन कॉल किया गया था। फोन कॉल जिसमें किया गया था उसमें एक 12 मिनट का फोन कॉल है जो है उस एरिया का जो एमएलए टीएमसी एमएलए का साथ बातचीत हुआ था शेख शाहजहां का। और इसी बारे में सीबीआई की तरफ से कहा जा रहा है कि शेख शाहजहां का इंट्रोगेशन में नया मोड़ आ सकता है, क्योंकि शेख शाहजहां जब एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के ऊपर हमला हो रहा था उसी टाइम में, क्या ये पूरा जो घटना, ये एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के ऊपर जो हमले का घटना, ये क्या पूरा रचा हुआ था, पूरा प्री प्लान था, या इसके पीछे कोई बिग फेस है, बिग पॉलिटिकल लीडर है, इस बारे में भी सीबीआई का नजर है। क्योंकि सीबीआई का कहना है कि शेख शाहजहां का जो मोबाइल फोन, वो मोबाइल फोन से उसी घटना के टाइम में जब एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के ऊपर हमला हुआ था उसी टाइम में फोन किया गया था उस एरिया का जो एमएलए संदेश खान एरिया का एमएलए सुकुमार राय, उनको फोन किया गया था, शेख शाहजहां की तरफ से ये फोन किया गया था और उनके साथ तो 12 मिनट कॉल हुआ था। और कॉल में क्या बातचीत हुआ था ये भी सीबीआई का नजर में है। और उसके साथ साथ सीबीआई ये भी कहना है कि उस दिन घटना के बाद, ये पूरा घटना होने के बाद एक मीटिंग किया गया था, वो मीटिंग में प्लानिंग डिसाइड हुआ था कि किस तरीके से शेख शाहजहां ये इस जगह छोड़ देगा, जगह छोड़ के कौन से जगह में रुकेगा, इस बारे में भी सीबीआई के नजर है। दूसरी तरफ सीबीआई के हाथ जो और एक इंफॉर्मेशन लगा है इंट्रोगेशन में, शेख शाहजहां कबूल किया है कि घटना के बाद उनका जो फैमिली मेंबर, वो फैमिली मेंबर को एक सेफ कस्टडी में शेल्टर में वो शिफ्ट किए थे। उसके बाद ही शेख शाहजहां ब्लूप्रिंट तैयार किए थे कि किस तरीके से वो कौन से रास्ते से संदेश खाली छोड़ेगा, और संदेश खाली छोड़ के वो शेल्टर लेगा कौन से जगह में। अभी सीबीआई की तरफ से ये भी छाना जा रहा है कि ये जो बातचीत हुआ था, जो जो फोन कॉल से, वो फोन नंबर किसका किसका है और कितने टाइम बातचीत हुआ था, और ये जो बातचीत, इस बातचीत के साथ एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के ऊपर हमले का कोई लिंकअप है कि नहीं, इसमें भी नजर सीबीआई का। For more such videos, subscribe to the NewsX YouTube channel, hit the bell icon.